हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृष्ण। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो लेके आया हूं, तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आज आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं आप किस चीज़ की फॉर्मल चार्ज की। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज की ट्रिक के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज को किसी भी, अगर आपको कंपाउंड दे रखा है या कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, तो कैसे हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की बच्चों आप लोगों के लिए क्या रहेगी ट्रिक रहेगी, तो आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए ट्रिक की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक नंबर वन रहेगी और इसी तरह से मैं आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री के लिए ट्रिक लेके आऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस चैनल को। ठीक है, क्या कर देना बच्चों, आपको अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कर देना है और नीचे डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को देख लेना, वहां पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री में वीडियो आप लोग सारी देख सकते हो। वो सारी वीडियो बच्चों मैंने कहाँ बना रखी है, आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर बना रखी है। ये हुई सारी बात। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। तो देखो, यहाँ पर एक बताने वाली चीज ये है कि आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसके लिए RACE2019IIT/NEET करके आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को फ्री मटेरियल मिलता है, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है आप लोगों को, वीडियो वगैरह सारी मिल जाती है। या आप @KKK4 पर मैसेज कर दोगे टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद, तो मैं आप लोगों को बच्चों लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम फॉर्मल चार्ज की। तो एक्चुअली में फॉर्मल चार्ज होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। तो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज की बच्चों जो बात करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए फॉर्मल चार्ज है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉर्मल चार्ज क्या है। तो फॉर्मल चार्ज जो होता है वो होता है, फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है आपका, इज द चार्ज असाइन टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम जो कोई भी एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज असाइन कर रहे हैं उसको बोलते हैं बच्चों क्या, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या है, ये होता है आपका चार्ज असाइन टू एन एटम। ठीक है, ये होता है चार्ज असाइन टू एन एटम, ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखो निकालते कैसे है, क्या ट्रिक है अपनी, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए क्या ट्रिक क्या है। ट्रिक है अपनी फॉर्मल चार्ज निकालने की, फॉर्मल चार्ज को Fc लिख रहा हूँ, इसकी ट्रिक है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, V का मतलब क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, या बोलू नंबर ऑफ, ठीक है, डॉट्स बोले या लोन पेयर बोले, फिर आएगा माइनस नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स बोले या क्या बोले, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोले, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो ये चीज आप लोग याद रखोगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ये आपको याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जो भी ग्रुप नंबर होगा आपका उस कंपाउंड का, ठीक है, जो भी ग्रुप नंबर होगा वही उसके बच्चों क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे हम बात किसकी करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक एग्जांपल में आप लोगों को लेके बता रहा हूँ, ठीक है, और फिर आपको इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। तो देखो ये ले रहा हूँ मैं ओजोन को, ओजोन लिए आप, ओजोन ले लिए, ठीक है, ये ओजोन का डायग्राम बन गया। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, जब ओजोन हो गया आपके पास, इसके देखो अब ऑक्टेट कंप्लीट कर लीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर कितने लोन पेयर आएंगे, दो लोन पेयर आएंगे, अलग कलर से लिख लेते हैं, ये दो लोन पेयर हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे आपके पास, यहाँ पे चार आएंगे। ठीक है, अब कैसे दो क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, तो देखो दो तो इसके, दो इसके अंदर दो और दो चार और दो छह और दो आठ, इसके पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर चेक करें तो दो और दो चार और दो छह और दो आठ, पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे अगर चेक करें दो और दो चार और दो छह और दो आठ, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं, तो देखिए नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन को वन नाम दिया, इस वाले ऑक्सीजन को टू नाम दिया, इस वाले ऑक्सीजन को क्या नाम दिया, तीन नाम दिया। ठीक है, थ्री नंबर दे दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो हम ये चीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम जो बात करने वाले हैं कि जो आपके पास यहाँ पे दे रखा है कौन से वाला आइटम, हम टू वाले आइटम के लिए, जो टू वाला ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है, फॉर सेकेंड आइटम, ठीक है, सेकंड का जो ऑक्सीजन आइटम है उसके लिए फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। इसके लिए अपने क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से है आपका, सिक्स वाले से है, ठीक है, तो इसका कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके अंदर छह इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, छह। अब माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है इसके ऊपर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितनी डॉट दे रखी है आपको, केवल दो डॉट दे रखी है, मतलब सिक्स माइनस टू हो गया। ठीक है, सिक्स माइनस क्या कर देंगे आप, टू करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर पहुंचे सिक्स माइनस टू। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ लाइन्स, लाइन्स कितनी दिख रही है आपको, तीन लाइन्स दिख रही होंगी। ठीक है, कितनी लाइन्स दिख रही है आपको, तीन लाइन्स दिख रही है, देखो एक दो तीन, तो तीन लाइन्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिक्स माइनस टू माइनस थ्री हो गया। ठीक है, तो नेट क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस टू माइनस थ्री जब करोगे तो वन आएगा, वो भी प्लस वन। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया बच्चों, इसके ऊपर चार्ज हो गया आपका टू वाले
और जो ऑक्सीजन एटम उसके ऊपर चार्ज हो गया प्लस वन, ठीक है, प्लस वन चार्ज हो गया। इसी तरीके से मैं आपको एक और निकाल के दिखा रहा हूँ, वो कौन सा वाला निकाल के दिखा रहा हूँ, इस वाले एटम में, ठीक है, फोर वन वाले पर। तो जो फोर वन ऑक्सीजन वाले एटम पर बात करते हैं तो इस पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, इसका अगर हम बोले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ऑक्सीजन एटम वही छह रहेंगे, माइनस नंबर ऑफ डॉट्स कितने आप लोग देख सकते हो, चार डॉट दिख रहे हैं इस वाले पे, ठीक है, देखो दो ये रहे और दो ये रहे, मतलब चार डॉट दिख रहे हैं, सिक्स माइनस फोर, माइनस नंबर ऑफ लाइन्स कितनी दिख रही है यहाँ पर, बस आपको एक लाइन ये एक लाइन दो लाइन दिख रही है, ठीक है, तो माइनस टू, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया जीरो, तो इस वाले ऑक्सीजन एटम पर जीरो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर फॉर जो जो आपका तीसरा नंबर वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, कौन सा नंबर वाला, थर्ड वाला, इसके लिए फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ये बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है वीडियो कैसी लगी, और जो ये चीज थी कि आपको कौन से उस पर टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद मैसेज करना है, वो भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, थैंक यू एंड बाय बाय।